नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। योगी सरकार के मंत्री दिनेश खटीक की नाराजगी दूर होती दिख रही है। नाराज होकर खटीक ने अपना इस्तीफा सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भेज दिया था। खटीक की नाराजगी सीएम योगी आदित्यनाथ से नहीं, अधिकारियों से है। मीडिया के संकेतों से साफ कर दिया है कि वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। एक दिन पहले उनकी जो चिट्ठी सामने आई थी उसमें साफ लिखा था कि वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसे में अचानक ऐसा क्या हो गया कि खटीक ने अपना मन बदल दिया? जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। आखिर क्यों बदल गए दिनेश खटीक के सुर? आखिर कैसे योगी की तारीफ करते क्यों एकदम से दिखे दिनेश खटीक? इसका सीधा जवाब है कि खटीक अपना विरोध जिस स्तर पर दर्ज कराना चाहते थे उन्होंने करा दिया। अब वो सीएम योगी की तारीफ भी कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि गुरुवार की शाम खटीक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने पक्ष को साफ करेंगे। यूपी के जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक यूपी की सियासत में बुधवार को छाए रहे। इस्तीफे की चर्चा वायरल चिट्ठी ने पूरे राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। प्रदेश में अफसरशाही से लेकर योगी सरकार में दलित मंत्री के उत्पीड़न तक का मामला खूब जोर पकड़ा। सीधे निशाने पर बीजेपी रही। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती से लेकर कांग्रेस तक इस विवाद में कूदी। बीजेपी पर आरोपों की बौछार कर दी गई। अब इस मामले में खटीक खुद सामने आए हैं। सफाई में उन्होंने कहा है कि नाराजगी केवल अधिकारियों से है, काम नहीं सम्मान दिए जाने की बात कही है। खटीक ने कहा कि मुख्यमंत्री से उनकी बात हुई है, सीएम ईमानदार हैं, कुछ अधिकारियों की मनमानी के कारण उन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा। दिनेश खटीक बुधवार को मेरठ के नेताओं से मुलाकात करते रहे। इसके बाद मीडिया के संपर्क करने पर उन्होंने अपनी बात रखी है। सीएम योगी के साथ भी उनकी बात हुई, इसकी पुष्टि उन्होंने की। उन्होंने कहा कि जब हम जन प्रतिनिधि हैं, जनता में हमें चुन कर भेजा है, सम्मान तो मिलना चाहिए, काम नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अधिकारी कुछ नहीं दे सकते, लेकिन सूचना मांगे जाने पर वो तो उपलब्ध करा सकते हैं। योगी सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने मंगलवार को अपना इस्तीफा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भेजा। इसकी प्रतिलिपि उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भी भेजी। राज्यपाल ने उनके इस्तीफे को सीएम के पास भेजा। मंत्रियों के इस्तीफे मुख्यमंत्री के अप्रूवल के बाद ही राज्यपाल तक जाते हैं। अपने इस्तीफे में उन्होंने प्रदेश में अफसरशाही और दलित होने के कारण उपेक्षित किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है कि जल शक्ति विभाग में तबादलों के बाद से उनकी नाराजगी बढ़ी हुई थी। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।